तो आ जाओ मेरे पढ़ाकू, तैयार हो जाइए कल के टॉपिक से आगे चलने के लिए। कल का टॉपिक यदि ना देखा हो तो आज का वीडियो अभी मत देखना मेरे बेटा, समझ में नहीं आएगा। यदि कल का देख लिया और समझ लिया तो आप आज के वीडियो में आ जाइए। हम आज बात करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां लेना सही है, वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी नॉलेज बेटा बुक्स को बाद में उठा के देखना, पहले मेरा पढ़ना। आपको बुक्स में उतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा जितना यहां मिलेगा। तो बेटा मिलते हैं ठीक 30 सेकंड के बाद पढ़ने के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। नंबर वन, कल आप लोगों ने पढ़ा था कि टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा, और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा जाता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज डायपोल को रखा जाता है तो बेटा तब उस पर टॉर्क लगता है। क्यों लगता है, इसीलिए मैंने कहा था पहले कल का वीडियो देख लेना। तो उस पर टॉर्क लगता है, कितना टॉर्क लगता है, पी साइन थीटा, और टॉर्क के कारण वो रोटेट करता है, और जब रोटेट करता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा। अब मैं एक मिनट के लिए इस बारे में बात करूं। देखो बेटा, जब लीनियर मोशन होता है तो वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रल एफ डी एस। जब लीनियर मोशन होता है तो वर्क का फॉर्मूला है एफ डी एस। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रल एफ डी एस। लेकिन जब रोटेशन होता है तो वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा। उसका कारण जो हमारे फोर्स है वो लीनियर मोशन कराते हैं और जो टॉर्क है वो एंगुलर मोशन कराते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले फिलहाल याद रखिए वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा यदि सर्कुलर मोशन हो, और वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रल एफ डी एस यदि लीनियर मोशन हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, वन डायमेंशन में मोशन हो। तो हमारा आज क्योंकि रोटेट करेगा डायपोल तो मैं ये फॉर्मूला लूंगा। तीसरा पॉइंट, एक बेटा फॉर्मूला मैथ्स का है इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो जो आप में मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो इसे पढ़ चुके होंगे या फ्यूचर में पढ़ोगे, और यदि बेटा बायो के स्टूडेंट हो तो उनको तो बेटा ये याद ही करना पड़ेगा कैसे आया इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। वैसे यदि आप मेरे पास क्लास 11th में थे तो मैंने रेगुलर बैच में पढ़ाया था ये सब। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ये फॉर्मूला आपका 12th मैथ्स का है, आज इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने ड्राइव करने जा रहा हूं बेटा, कल के कॉन्सेप्ट से आगे है। टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा, वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा, और इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को घुमाया जाए तो हाउ मच वर्क विल बी डन। वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस कंसीडर द केस। एक बेटा यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब तो कल आपको बता ही दिया था, जितना फील्ड यहां उतना ही फील्ड यहां उतना ही फील्ड यहां। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है जिसके अंदर ये उसका डायपोल मोमेंट है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर है। तो लेट अस कंसीडर द केस कि मेरा डायपोल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा वन एंगल बना रहा था, मेरा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा वन एंगल बना रहा था, मैंने उसको जबरदस्ती घुमा करके उसे थीटा टू एंगल पर ले आया। यदि मैं थीटा वन से घुमा के थीटा टू एंगल पर ले आया तो ऐसे में मुझे वर्क कितना करना पड़ा, तो वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा। क्या है वर्क का फॉर्मूला बेटा, इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा। क्या है वर्क का फॉर्मूला, इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा। टॉर्क
टॉर्क की वैल्यू होती है बेटा PE साइन थीटा, अभी मैं लिमिट में रखूंगा, PE साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, P डायपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर चले जाएंगे, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चले जाएंगे, रह जाएगा इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब लिमिट, मैंने थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया है इसे, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया है इसे, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया है इसको। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां देखिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा पीई। अच्छा, इंटीग्रल साइन थीटा होता है बेटा माइनस कॉस थीटा, तो वर्क डन की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो माइनस कॉस थीटा, ये तो बेटा हमारा हो गया, ये पी और ई यहां लिख दिया, और इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। लेकिन अब मेरे बेटा लिमिट भी तो रखोगे, थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। माइनस को यदि मैं अंदर ले आऊं तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये है बेटा डायपोल को रोटेट करने में किया गया वर्क। अच्छा, देखा जाए मुश्किल तो कुछ भी नहीं है अभी तक, एक डायपोल रखा था मैंने, उसको रोटेट करा है, रोटेट करा है तो वर्क डन का फॉर्मूला टॉर्क डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा, पी और ई कांस्टेंट है, बाहर आ गए, इंटीग्रल साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, माइनस मैंने बाहर लिख दिया माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया गया, यदि बेटा थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया गया तो बेटा ये हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, लेकिन बाहर का माइनस अंदर आएगा तो मेरे बेटा मेरे लाल वर्क डन हो जाएगा पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपसे कहूं, अच्छा थीटा किस किस का एंगल है ये मत भूलना, थीटा जो है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, ये बात आप याद रखिएगा। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। यहां पर कुछ बातें बड़े सोचने और समझने की है, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब हम वर्क करते हैं तो वो किसी ना किसी एनर्जी में बदल जाता है। जैसे मैं इस पेन को उठा करके यहां से उठा के यहां रख दूं तो मैंने वर्क किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, मैंने इस पेन को उठा के फेंक दिया तो मेरा वर्क इस पेन की काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, मैं हाथ रगड़ रहा हूं तो मेरा वर्क हीट एनर्जी में बदल रहा है। सो बात की एक बात, जब भी हम वर्क करते हैं तो वो वर्क किसी ना किसी एनर्जी में बदल जाता है। अब मेरे बेटा यहां पर भी डायपोल को घुमाने में जो हम वर्क करेंगे वो किसी ना किसी एनर्जी में बदलेगा, तो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी में एक जगह जीरो पोटेंशियल एनर्जी माननी पड़ती है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। चलो मैं पहले क्लास 11 की बात कर रहा हूं, मुझे बता क्लास 11 के अंदर आप लोग कहते थे कि यदि कोई बॉडी ग्राउंड पर पड़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी जीरो, जब बॉडी यहां चली गई एच ऊंचाई पर तो आप कहते थे पोटेंशियल एनर्जी है एमडीएच, यदि हाइट बढ़ जाती थी तो आप कहते थे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, अब ये हाई पोटेंशियल एनर्जी हो गई है एमजी कैपिटल एच। एक बात बताओ, जमीन पर पड़ी हुई बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये आप मानते थे? अब मैं यहीं पर ऐसा कर दूंगा कि आप खुद समझ जाओगे कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी मानी जा सकती है। एक आदमी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, एक आदमी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि आप समझना चाह रहे हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी हम कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, यह है इसका ग्राउंड फ्लोर, यह है फर्स्ट फ्लोर, यह है सेकंड फ्लोर, यह है बेटा हमारा थर्ड फ्लोर। अब एक बात सोचो, एक बॉल यहां पड़ी है, यहां पर एक आदमी बैठा है, उससे पूछो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है एमजीएच। अब ये बता हाइट कहां से नापेंगे, हाइट यदि मैं बिल्कुल ग्राउंड से नापू तो बहुत ज्यादा हाइट है, मैं यहां से नापू तो कम हाइट है, यहां से नापू तो और कम हाइट है, और यदि मैं इसी सरफेस से हाइट नापू तो ये तो जीरो हाइट है। अब ये बताओ क्या इसे जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहोगे या स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी या लार्ज पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय हाइट कहां से ले। अच्छा चल, ये इससे भी एक और मजेदार बात बताता हूं, तुम आज तक करते आ रहे हो लेकिन किसी ने बताया नहीं होगा कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी। हमारी अर्थ उबड़ खाबड़ है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे फ्लैट है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं कुछ है। एक बात बता, यहां पर एक बच्चे की बॉल पड़ी हुई है जमीन पर, है क्लास 11th की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस देने के लिए। यहां पर एक बॉल पड़ी हुई है, अब मैं बच्चे से पूछूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो कहेगा जमीन पे पड़ी है तो जीरो है। अबे जीरो है, यदि मैं यहां से हाइट निकालूं तो इसकी कुछ और है, है? भाई हाइट कहां से नापी जाएगी, कहां से नापी जाएगी, ये तो आप डिसाइड करोगे ना। तो कोई बच्चा कहने लगे जी मैं यहां से हाइट नापूंगा, मेरे बेटा असलियत में जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहीं नहीं है, हम मान लेते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां है। मैं इस कमरे में खड़ा हूं तो मैं इस कमरे के बेस को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लूंगा और सारी हाइट वहां से नापूंगा। यदि मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूं, यहां पर रहता हूं, तो मैं यहां से हाइट नापूंगा और इसे जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लूंगा। कहने का मतलब यह, जीरो पोटेंशियल एनर्जी खुद एक विवादित विषय बन जाता है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले सकता है। आ गया समझ में? जीरो पोटेंशियल एनर्जी मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहीं नहीं है, हम अपनी सुविधा के हिसाब से किसी एक जगह को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं। डाइपोल के केस में जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां मानी जाती है और क्यों, जो मैं अगला बता रहा हूं ना, अभी डेरिवेशन शुरू करूंगा अभी 10 मिनट बाद, जो मैं बता रहा हूं दुनिया की सारी बुक पलट के देख लेना, लिखा मिल गया तो बात रही। हर बुक ने रटवा रखा है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी यहां है, क्यों है, क्या है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, नहीं मिलेगा, इसलिए मन लगा के समझ लो। मेरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह है जहां चार्जेस पर फोर्स लगता है। हर इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के लिए एक सोर्स की जरूरत है। सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहां पर एक प्लेट ले ली पॉजिटिव चार्ज वाली, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है, क्रिएट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक डिटेल टॉपिक अलग से भी बना के दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको जो समझा रहा हूं इस टॉपिक के लिए जो जरूरी है। ये पॉजिटिव प्लेट है, यहां चार्ज रखा, इस पॉजिटिव प्लेट ने फोर्स लगाया, यहां चार्ज रखा पॉजिटिव प्लेट ने फोर्स लगाया, यहां चार्ज रखा पॉजिटिव प्लेट ने फोर्स लगाया। कहने का मतलब कि यहां सब जगह चार्जेस को रखने पर फोर्स लगेगा, तो यहां सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो बात अलग है यहां पर कि अभी तक आपने फील्ड के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना तो मैं बता चुका हूं कि जहां चार्जेस को रखने पर फोर्स लगे वहां फील्ड है। तो यहां पर चार्ज को रखूंगा तो फोर्स लगेगा, यहां चार्ज को रखूंगा फोर्स लगेगा, तो यहां पर फील्ड है। यहां चार्ज को रखने पे फोर्स लगेगा, यहां भी फील्ड है। कहने का मतलब यहां सब जगह फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज पर यदि फोर्स लगेगा तो फील्ड है। अच्छा, फील्ड की डायरेक्शन यहां क्यों ली? मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा वो फील्ड की डायरेक्शन सोच के देख। यदि मैं यहां पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और यदि इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये फील्ड की डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज यहां रखूंगा तो ये पॉजिटिव प्लेट इस प्लस को रिपेल करेगी और वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये फील्ड की डायरेक्शन है। अब गौर से सुनो, धीरे धीरे मैं अपनी असली जगह पर आने वाला हूं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर लाइन है, यदि मैं यहां डायपोल को रख दूं तो उसे जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना जाता है। हर बुक में दिया हुआ है, डायपोल को यदि फील्ड के परपेंडिकुलर रख दो, प्लस और माइनस चार्ज को फील्ड के परपेंडिकुलर रख दो, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना जाता है। वो क्यों? एक बात सुन, जब हम किसी बॉडी पर जबरदस्ती वर्क करके उसके इच्छा के विपरीत ले जाते हैं तो पॉजिटिव वर्क होता है, और जब वर्क बॉडी, बल्कि इस तरह से सुनो, थोड़ा और चेंज करके आपको आसान शब्दों में बताता हूं, एक बॉडी को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दो, वो हमेशा वहां जाएगी जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ये बताइए, मैंने पेन को छोड़ा, ये नीचे गिरा, यानी पोटेंशियल एनर्जी को घटा रहा है। दुनिया में हर चीज अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करती है। एक खिंची हुई स्प्रिंग को छोड़ दो तो वो कंप्रेस होकर के अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करती है। एक बॉडी को, पेन को यहां से छोड़ दो, वो नीचे गिर के पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है। जो बॉडी अपनी मर्जी से चलेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी,
और जिसे मैं जबरदस्ती उसकी मर्जी के विपरीत ले जाऊंगा, पेन गिरना चाह रहा है नीचे और मैं इसकी मर्जी के विपरीत ऊपर ले जाऊंगा, तो ऐसे में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्या समझे? यदि कोई बॉडी अपनी मर्जी से जहां जाना चाह रही है वहां जाएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रिड्यूस करेगी, और यदि कोई बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी मतलब हम किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो जहां वो जाना चाहती है उसके अपोजिट ले जाना पड़ेगा। एक आखिरी बार सुन, इस पेन को छोड़ा, ये नीचे की तरफ गिरा, अपने आप गिरा, मैंने नहीं गिराया, ये वहीं जाना चाह रहा है ग्रेविटी के कारण, तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई। मैं इसे ऊपर ले गया, जाना चाह रहा था नीचे, ग्रेविटी के चक्कर में मैं ले गया ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब मैं ये देखता हूं कि यदि कोई चार्ज इंफिनिटी पर थे, चल अभी बता दो, हाँ मेरे बेटा ये दो चार्ज इन्फिनिटी पर थे, मैं उन्हें ला करके यहां रखना चाहता हूं और डाइपोल बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि डाइपोल अभी है नहीं, मैं इसे यहां लाऊंगा और डाइपोल बनाऊंगा। पॉजिटिव चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यहां तक लाया, पॉजिटिव चार्ज क्या सच में वहां जाना चाह रहा था? नहीं ना, पॉजिटिव प्लेट से ये पॉजिटिव चार्ज दूर भागना चाह रहा था, मैं उसे जबरदस्ती लाया हूं तो मैंने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी है। नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां पर भेजा, मैंने क्या भेजा? प्लस माइनस के अट्रैक्शन से वो खुद ही चला गया, और जो खुद चला गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो जितना पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी बढ़ी, निगेटिव चार्ज की एनर्जी उतनी ही कम हो गई, यानी यहां पहुंच करके जितना ये चला उतना ही ये चला, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो गई। यदि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल बढ़ी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल कम हो गई। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं जिनको मैं इन्फिनिट से ला के फील्ड में रख रहा हूं। तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। यदि ये 10 जूल बढ़ा है, ये 10 जूल बढ़ गई, ये 10 जूल कम हो गई, तो यहां पहुंचने के बाद इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जा सकती है, है? अच्छा, यदि मैं डाइपोल को ऐसे ना रख के, यदि मैं डाइपोल को फील्ड के पैरेलल रख दूं, कहीं इन्फिनिट से लाके डाइपोल को यहां पे रखूं, एक बात बता, यहां इन्फिनिट पर प्लस क्यू भी था और माइनस क्यू भी था, मैं प्लस क्यू को तो यहां तक लाके रोक दिया, माइनस क्यू को यहां तक ले गया, क्या दोनों में वर्क बराबर होगा? एक प्लेट से दूर ही रुक गया, एक प्लेट के पास आके रुका, जो प्लेट से दूर रुक गया बस इतना सा चला, तो उसमें मुझे वर्क डन कम करना पड़ा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम बढ़ी, और जो प्लेट के बहुत नजदीक तक आया उसमें वर्क ज्यादा हुआ। वो बात अलग है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि ये खुद आ रहा है, लेकिन जितना पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब बढ़ी है उतनी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल नहीं है। मान लो ये प्लस 10 है, ये माइनस 15 है, तो इन दोनों का सम इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। कुल मिला के देख, काफी देर से समझा रहा हूं, यदि दोबारा से समझोगे दोबारा से समझोगे समझ में आ जाएगा। हमें ये पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि डाइपोल को रखा जाए तो वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन होती है, और सबसे आदर्श इसी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी हर बुक ने यही मान रखी है, 99.99% ऑथर्स ने इसी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना है, लेकिन 0.001% तो होते हैं वो कहीं और मान लेते हैं, जैसे मैंने बताया था ना मकान वाला केस, कि कोई मकान के ग्राउंड फ्लोर को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानता है, कोई फर्स्ट फ्लोर को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानता है, तो गलत तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम वही फॉलो करेंगे जो दुनिया के 99% लोग फॉलो करते हैं, हमारी जीरो पोटेंशियल एनर्जी यहां। अब एक क्विक रिकैप ले, फिर मैं डेरिवेशन करूंगा, डेरिवेशन इतना सा है, नन्नू सा। पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट से यहां तक लाने में जितना वर्क हुआ उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, निगेटिव चार्ज को यहां तक लाने में जितना वर्क हुआ उतनी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी उतनी घट गई, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो कंसीडर करी जा सकती है। तो परपेंडिकुलर पोजीशन को कहते हैं
जीरो पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन। मैं कहता हूं डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती है, तो आप कहोगे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होती है, जब वो फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। मेरे बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल यहां रखा हुआ है 90 डिग्री पर, यानी कि बेटा इसका शुरुआती एंगल 90 डिग्री है, इस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं मैं, लाइक का बटन तो दबा दे, सब्सक्राइब कर दे भाई, और दो चार अपने यारों दोस्तों को बता ले, अकेले इतने लालची इतने स्वार्थी मत बनो कि सिर्फ अपना भला करो, सबका भला करवाओ। और जितने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ते हैं टीचर उतनी डेप्थ में चले जाते हैं, ये याद रखना। यदि मेरे अभी तो 20-22 दिन हुए चैनल शुरू करे हुए, यदि सब्सक्राइबर बढ़ते रहे तो मेरे टॉपिक की लेंथ बढ़ती जाएगी, आने वाले वीडियोस बढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स बढ़ते जाएंगे, बस मुझे खुशी इसी से मिलती है, बच्चे बढ़ते हैं। अब मेरे बेटा शुरू में जीरो पोटेंशियल एनर्जी में रखा हुआ है डायपोल, अब मैं डायपोल को यहां ले आया, यानी मैंने डायपोल को मैंने ऐसे घुमा दिया, थीटा टू इज इक्वल टू थीटा पर। तो बेटा कितना वर्क डन होगा 90 डिग्री से थीटा एंगल तक लाने में, कितना वर्क डन होगा, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी से किसी और सिचुएशन में जाने में किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। डिफाइन कर रखा है हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन ही तो है, और वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा ही तो है, टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा ही तो है, है? अब बेटा लिमिट बदल जाएगी, ये वाला फॉर्मूला कहीं से भी कहीं तक घुमाने का वर्क है, ये वाले में 90 डिग्री से थीटा एंगल तक घुमाने का वर्क है, 90 से थीटा तक, 90 से थीटा तक घुमाने के वर्क को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी सब पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते। बस तो डेरिवेशन होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल पी और ई बाहर आ गए, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, लिमिट वही 90 से घुमाया थीटा तक घुमाया, तो पी ई इंटीग्रल साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, अब लिमिट रख दी, लिमिट रखी मैंने 90 से थीटा तक, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, तो ये हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, अब तो एंड कर ही रहा हूं टॉपिक का। एक बालक मेरे पास पढ़ता था, कुछ ज्यादा ही होशियार आइंस्टाइन के बाद वो, अगले दिन मेरे पास आया, सर आपने टॉपिक अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे, उसने कहा सर पी से पी कट गया, ई से ई कट गया, रह गया कॉस थीटा माइनस वन और थीटा 180 डिग्री। मैंने सही किया ना सर, मन करा जहर खाके आज ही मर जाऊं मैं, क्यों इसे पढ़ा रहा हूं। अरे बेटा एक बात बता, तुम लोग ऐसी गलती मत कर देना, राइट का पी है डाइपोल मोमेंट और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट का पी है पोटेंशियल और ई है एनर्जी। हंसी मजाक में भले ही आपको बताया, ये सीरियस है, एग्जाम के टेंशन में कई बच्चे कर चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा। एक बार फटाफट इसका फाइनल टच और आज के टॉपिक की समाप्ति की घोषणा, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल को 90 डिग्री से थीटा एंगल तक लाने में किया गया वर्क है। 90 डिग्री से ही क्यों लेने में फायदा है, क्योंकि वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला सरफेस माना जा सकता है, वहां एक लॉजिक है, ठीक है बेटा। और वो कैसे आया वो तो आपने पीछे पढ़ लिया, और दोबारा देख ये वीडियो कम से कम दो बार देखना, ये मेरी एडवाइस है, सलाह है बेटा, फायदा आपका है, मेरा क्या है, तुम मत देखो, एक बार भी मत देखो। तो बेटा चलिए कल को इससे आगे का टॉपिक पढ़ाता हूं, अभी डायपोल के बारे में और भी बातें होंगी। फिलहाल अंत आ गया है, कहने का समय आ गया है, बाय बाय मेरे पढ़ाकू, पढ़ाकू किस लिए, लास्ट तक देखा इसलिए।